गाइस, आज का दिन है ना बड़ा चैलेंजिंग था। पढ़ते पढ़ते माथा खराब हो गया। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ये वीडियो सुबह का 4 बजे। मम्मी उठ चुके हैं इसीलिए मैं चिल्ला के थोड़ा सा बोल रहा हूँ। मम्मी वो रूम में बुक पढ़ रही है, अभी सिर्फ सोया हुआ है। अब पापा तो गाँव गए हुए हैं इसीलिए थोड़ा सा चिल्ला के बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग को सुनाई दे सके। अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पढ़ाई और ये वाला वीडियो होगा अ डे ऑफ अ नीट स्टूडेंट। तो आज दिन भर जो भी एक नीट स्टूडेंट करता है वो मैं आप लोग को करके दिखाऊंगा। आज पहला पढ़ाई स्टार्ट होगा 4 बजे से। अभी तक 4 बजा नहीं है, 4:15 बज रहा है, 15 मिनट मतलब बाकी है। तो 4 बजे से लेकर 7 बजे तक होगा, या तो 7:30 बजे तक पहला पढ़ाई होगा। फटाफट अभी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, ऐसे भी 15 मिनट खत्म हो जाएगा फिर। तो फटाफट सब बुक। थक गया, अब थोड़ा सा बाहर निकला हूँ वीडियो बनाने के लिए क्योंकि अभी अभी छठ पूजा हो रहा है। सुबह का अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है डाली, तो वही सुबह का अभी दिखाते हैं। उसके बाद थोड़ा सा एक्सरसाइज करना भी जरूरी है, इसलिए थोड़ा सा जिम जाएंगे आधा घंटा के लिए, उसके बाद फिर घर। सेम कल ही जैसा है लेकिन कल से कम है बोल सकते हैं। गाइस, इतना सारा डाल है यहाँ पे देखो, और इतना ज्यादा भीड़। गंगा पूरा कुहासा है, फॉग ही फॉग है। रात को तो क्लियर नहीं दिख रहा था लेकिन आप देखो भीड़ है। गाइस, उतना ज्यादा वहां पर टाइम नहीं दे सकते, मतलब वीडियो अगर बनाते रहेंगे तो फिर पढ़ना भी पड़ेगा ना। अभी फटाक से उधर का व्यू दिखाते हैं, उसके बाद डायरेक्ट जिम चले जाएंगे। आधा घंटा करेंगे, उससे ज्यादा नहीं, और उसके बाद फिर डायरेक्ट घर चले। आधा से 1 घंटा करेंगे, 1 घंटा मैक्सिमम हर नीट स्टूडेंट को करना चाहिए, 1 घंटा कंपलसरी है क्योंकि वो लोग का माइंड भी फ्रेश होना चाहिए। चाहे वो घर में करे या इक्विपमेंट के साथ जिम में करे, वो आपका मर्जी। योगा भी कर सकते हैं आप लोग। गाइस, यहाँ पे भी बहुत ज्यादा भीड़ है। आप जा रहे जिम जा रहे हैं, जिम जा रहे हैं। ज्यादा समय ना व्यर्थ करते हुए फटाफट जिम करते हैं, उसके बाद फिर घर निकलेंगे। और पढ़ाई भी करना है ना, पढ़ाई तो मेन है आज का टास्क। तो गाइस, कंप्लीट हो चुका है एक्सरसाइज, अब मस्त घर जाते हैं, फिर से पढ़ने बैठते हैं। लेकिन भूख लगा हुआ है, जैसे कि मैं बताया मेरा पेट में क्रैम को बोलते कि क्या बोलते पता नहीं, पेट पूरा मतलब वो क्या बोलते हैं एब्स के पास वाला जो मसल है वो ऊपर चढ़ गया था। सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, यहाँ पे गुलाटी मार रहा था, इतना दर्द हो रहा था ना बयान नहीं कर सकता, पहली बार हुआ है। गाइस, जैसे कि देख सकते हैं अभी तक 9 भी नहीं बजा है। फटाफट घर जाते हैं, खाना पीना खा के पढ़ने बैठते हैं क्योंकि भूख भी बहुत जोर लगा हुआ है। सुबह 4 बजे से पढ़ रहे हैं, कंटिन्यू खाना बीच में एकदम नहीं खाया है, तो फटाफट खाते हैं, उसके बाद फिर पढ़ने बैठते हैं। 7:30 बजे गए थे वहाँ पे, आधा घंटा वहाँ पे लगा वीडियो करने में गंगा में, और उसके बाद 1 घंटा जिम में बिताया। 1 घंटा भी प्रॉपर ठीक से नहीं बिताया क्योंकि 9 तो बज गया, इसीलिए फटाफट आ गए अब फट से बैठते पढ़ने के लिए। तो गाइस, मेरा नहाना धोना कंप्लीट हो चुका है, 2 घंटा मेरा टाइम लगा, मतलब गंगा गया हुआ था, जिम गया हुआ था, उसका नहाया धोया। ऐसे नॉर्मल डेज में 1 घंटा लगता है जिम जाना और नहाना धोना, वो आपके ऊपर डिपेंड है। या तो जिम जाओ, आप कुछ भी कर सकते हो, बस फोन यूज मत करना, यूट्यूब फेसबुक मत यूज करना, टाइम फिर पूरा एकदम डैमेज हो जाएगा, पूरा 1-2 घंटा पूरा व्यर्थ चल जाएगा आप लोग का। तो अभी फटाफट बैठते हैं, और अभी मैं डिसाइड किया हूँ कि मैं जूलॉजी पढ़ूंगा। तो से लेकर 1 बजे तक पढ़ चुका हूँ, टोटल हो गया 3.5 घंटा, 1, 2, 3, हाँ 3.5 घंटा हो गया। अब 1 घंटा का खाना पीना खाना, 1 से लेकर 2 बजे तक खाना खाना, तो फटाफट लंच कंप्लीट करते हैं। तो गाइज, मेरा लंच कंप्लीट हो चुका है, अभी 1:30 बज रहा है, 2:30 बजे तक का मेरे पास टाइम है। आप लोग को 1.5 घंटा का टाइम मिलता, आप लोग चाहे तो 1 घंटा भी यूज कर सकते हो, 1 घंटा ही टाइम लो। अगर ज्यादा आप लोग को पढ़ना है तो मैं अभी 1.5 घंटा ले रहा हूँ,
डेढ़ घंटा में, मतलब मेरा आधा घंटा में खाना पीना हो चुका है, अभी 1:30 बज रहा। अब 1 घंटा मैं थोड़ा देर सोऊंगा, रेस्ट करूंगा, क्योंकि नींद तो पूरा होता नहीं है। 12-1 बजे तक पढ़ना पड़ता है, 12:30 बजे मैक्स टू मैक्स पढ़ना तो पड़ता है, और सुबह 4 बजे उठना पड़ता है, और 4 बजे से पढ़ाई स्टार्ट करना पड़ता है। तो इसीलिए अभी 1 घंटा मैं रेस्ट लूंगा, उसके बाद फिर 3 बजे या 2:30 बजे से स्टार्ट करूंगा पढ़ाई, 2:30 बजे से ही करूंगा। गाइज मेरा नींद पूरा हो चुका है, अभी राज देख सकते हो आईपैड देख रहा है, डिस्ट्रैक्शन, तो इसको वो रूम भेजते और फटाफट पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। ये नेसेसरी नहीं है कि आप लोग एक ही जगह बैठ के पढ़ो, आपका मन जहाँ चाहे बैठ सकते हो, बस लेट के मत पढ़ना नहीं तो नींद आ जाएगा। ये कंपलसरी नहीं है कि एक जगह बैठ जाओ, बैठ के पढ़ते रहो, आपका जहाँ मन लगे वहां पढ़ो। आप चाहे तो वॉकिंग करते करते ऐसे पढ़ सकते हो, या तो कहीं बैठ के पढ़ सकते हो, एज योर विश। बस पढ़ना इम्पोर्टेंट है, याद होना चाहिए, नोट्स बनाया करो। जैसे मेरा नोट्स पूरा बना हुआ है, देख सकते हो पूरा नोट्स बना हुआ है मेरा, तो नोट्स बनाया करो। बायो सब्जेक्ट में नोट्स इम्पोर्टेंट है, नोट्स बनाओ, पढ़ो, रटो, समझो, समझो उसके बाद रटना। काहे कि आई नो रटने वाला सब्जेक्ट है, लेकिन समझ के रटना, नहीं तो सब भूल जाओगे। तो अभी फटाफट याद करते हैं। ये सेशन चलेगा 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक। तो गाइस 5:30 बज रहा है, अभी ये खाली बोल में मुढ़ी लेते हैं, चना चूर लेते हैं, और अपना फैमिली के पास जाते हैं, बातचीत करेंगे, खाएंगे, थोड़ा सा मस्ती करेंगे 6 बजे तक। आप लोग के पास 1/2 घंटा टाइम है, मेरे पास भी 1/2 घंटा टाइम है, तो फटाफट वो लोग के पास जाते हैं, बातचीत करते हैं। अगर आप हॉस्टल में रहते हो तो फोन कर लो, फोन में बातचीत करो अपना फैमिली से, प्रेशर आए बोले कि पढ़ाई लिखाई करो, अच्छा से ही करो, बोलना सब कुछ मस्त हो रहा है, एकदम चिल रहो, टेंशन लेने का नहीं होगा, अभी नहीं होगा लेकिन एक दिन जरूर होगा। तो गाइज अब 6 बज चुका है, अब पढ़ेंगे हम लोग केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो फटाफट केमिस्ट्री पढ़ते हैं। रात के समय इसलिए केमिस्ट्री मैं चूज किया हूँ क्योंकि केमिस्ट्री थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टाइप का है, तो उसको 6 बजे से लेकर 9 बजे तक पढ़ेंगे। देह अकड़ गया बैठे बैठे, लेकिन कोई ना, केमिस्ट्री पढ़ाई तो हो ही चुका है। फटाफट अब डिनर कंप्लीट करते हैं, आप लोग के पास 1 घंटा का वक्त है, आप लोग डिनर कंप्लीट करो, फैमिली से बात करो, या तो आप लोग चाहे तो 1/2 घंटा में कंप्लीट करके 9:30 बजे से रिवीजन स्टार्ट कर सकते हो, 11:30-12 बजे तक रिवीजन कंप्लीट करके चुपचाप सो जाना, फोन यूज मत करना। मैं बोलूंगा नीट, यूपीएससी, जेई, कुछ भी आप लोग तैयारी करो, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी करो, आप लोग फेसबुक, इंस्टा, ये सब से दूर रहना। एक इम्पॉर्टेंट चीज बोलना भूल चुका हूँ कि पानी पीते रहना, हाइड्रेटेड रहना, ये नहीं कि पढ़ते पढ़ते पानी भूल जाना, और खाना खाना पानी, ये दो चीज भूलना बिल्कुल नहीं। और नींद थोड़ा सा पूरा होना चाहिए, ये नहीं कि आप सांड के जैसा सोए हुए हो तो सोए हो, मैं उतना भी नहीं बोल रहा हूँ। नींद पूरा करो, 7 घंटा 8 घंटा पूरा होना चाहिए, नहीं हो पा रहा मैक्सिमम 7 घंटा तो सो, पढ़ो, सोना जरूरी, खाना जरूरी, मील स्किप एकदम नहीं करना, खाते रहो, वैसे अंदर में भी मोटिवेशन रहेगा, एनर्जी भी रहेगा, तो अच्छा लगेगा। मोटिवेशन लेके सिर्फ अगर पढ़ते रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला है, उसके लिए एनर्जी भी चाहिए, तो खाना जरूरी है, तो खाना जरूर खाना, और पानी 3.5 से 4 लीटर पीना पर डे। तो अभी फटाफट जाते हैं, डिनर अपना भी कंप्लीट करते हैं, हमको भी भूख लग गया। तो गाइज डिनर कंप्लीट हो चुका है, मेरा बगल वाला चिल्ला चिल्ली कर रहा है, मेरा भाई यहाँ पे आईपैड देख रहा है, पूरा डिस्ट्रैक्शन से भरा हुआ। सुनो, बाप रे बाप, इतना ज्यादा चिल्ला रहा, पता नहीं कैसे रिवाइज करेंगे, लेकिन फिर भी चलता है, इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्शन में पढ़ने का तो आदत नहीं, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, कुछ कर नहीं सकते। तो गाइस देख सकते हैं इतना कुछ है हम लोग के पास रिवाइज करने के लिए, ज्यादा कुछ वैसे है नहीं, ये सब बहुत कम है एज कम्पेयर टू अभी, और बाकी बहुत ज्यादा बाकी है, तो ये सब फटाफट इसको रिवाइज करते हैं। आप लोग समझ सकते हो रिविजन में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो 2 घंटा के बाद आप लोग को डायरेक्ट मिलते हैं। अभी 9:30 बज रहा है, तो 11:30 बजे आप लोग से मिलते हैं। तो गाइज मेरा माइंड ना चेंज हो गया, मैं सोच रहा हूँ वीडियो क्लिप भी डाल देता हूँ, तो अभी आप लोग देख लो, उसके बाद फिर 11:30 बजे भी बात कर लेंगे, क्या है देख लो। फटाफट पढ़ते, पहले जूलॉजी से स्टार्ट करते हैं, माइंड रिलैक्स करते हैं फटाफट।
तो फटाफट हम लोग सोते हैं। अब मैं इस व्लॉग को एंड करता हूँ, आप लोग देखें ऑनेस्ट डे ऑफ अ नीट स्टूडेंट। आप लोग फिर से मैसेज करना तो मैं फिर से बना दूंगा, और कुछ में भी अगर चाहिए तो। और अब ये व्लॉग कैसा लगा आप लोग जरूर बताना, और इस मेहनत के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है, प्लीज कर दो, जल्द से जल्द 200 करवाओ। तो आज का व्लॉग मैं यही पेंट करता हूँ, पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय 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 बाय। लेकिन बड़ा मजा आया करने में ये चैलेंज गाइज। आज का दिन है ना बड़ा चैलेंजिंग था, पढ़ते पढ़ते माथा खराब हो गया, लेकिन कोई ना, आप लोग के लिए कुछ भी। तो आप लोग चैलेंजेस भेजते रहना, मैं कोशिश करूंगा कि उसको पूरा कर सकूं। और हाँ, ये चैलेंज कुछ ज्यादा ही मेरे लिए काइंड ऑफ डिफिकल्ट बोल सकते हैं, क्योंकि दिन भर पढ़ना, एक रूटीन मेंटेन करना। ये नहीं है कि मैं बस थोड़ा सा क्लिप बना के छोड़ दे रहा हूँ, मैं पूरा वो टाइम पढ़ रहा हूँ। पढ़ के आप लोग को सब, मतलब अपने आप को भी फील कर रहा हूँ मैं कि एक नीट स्टूडेंट रियली में क्या करता है भाई, इतना पढ़ता है तब जाके उसको मतलब वो पोजीशन मिलता है। तो बड़ा मस्त लगा, फिर भी एक्सपीरियंस बड़ा मस्त था। खैर अभी एडिट करते हैं, एडिट करके मैं सोता हूँ, बहुत ज़्यादा नींद भी आ रहा है। ऐसे भी सुबह 4 बजे उठा हूँ, यूमिन 3:30 बजे उठा था, सब फ्रेश व्रेश करके 4 बजे फिर पढ़ने बैठ गया। अभी राज अपना मस्त वीडियो देख रहा है तो उसको कोई टेंशन नहीं है, तो फटाफट हम सोते हैं। तो गुड नाइट।